हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपके लिए लेके आ गए हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे जो कि यूजफुल रहता है आपका क्या डिप्लोमा सेकेंड ईयर के लिए, चाहे वो आपका सिविल हो ब्रांच या फिर आपकी मैकेनिकल ब्रांच हो या फिर आप बीटेक कर रहे हो। बीटेक में भी सेम रहेगा आपका क्या सिविल रहे ब्रांच या फिर आपकी मैकेनिकल ब्रांच रहे, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराएंगे और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक्स में फर्स्ट हेडिंग जो आती है वो क्या है, हमारे पास फ्लूड आती है। इसको तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HHM, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट हेडिंग आती है फ्लूड्स। फ्लूड क्या होता है, तो आप यहाँ फ्लूड में देख सकते हो कि इसको हम द्रव्य बोलते हैं। फ्लूड को क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्लूड होता है द्रव्य। ठीक, तो इसकी हेडिंग हम देखेंगे क्या रहेगी द्रव्य की, तो रहता है हमारे पास फ्लूड आर सबस्टेंस, फ्लूड आर सबस्टेंस विच आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड अनेबल टू कीप देयर सेप, एंड अनेबल टू कीप देयर सेप फिक्स। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब समझेंगे, जो फ्लूड होता है वो फ्लूड क्या कहलाता है, एक पदार्थ है। फ्लूड क्या हमारे पास यहाँ पे एक पदार्थ है और इसमें क्या रहता है, विच आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो कि फ्लो करे, मतलब जो फ्लो करे बह सके, एंड अनेबल टू कीप देयर सेप फिक्स, और अपनी जो सेप है वो फिक्स ना कर सके। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि वॉटर है, वाटर वो ग्लास में रखते हैं तो इस शेप में आ जाता है, और इसी को अगर हम सरफेस पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वाटर को कह सकते हैं वो क्या है, फ्लूड है। और लिक्विड्स एंड गैसियस इंक्लूडिंग वेपर आर फ्लूड, मीन्स यहाँ पे जितने भी द्रव्य हैं लिक्विड हैं और क्या है गैस, क्योंकि गैस भी क्या होती है, एक टाइम बाद आपके एटमोसफेयर में जाती है और ठंडी होके दोबारा से वो फ्लूड या लिक्विड बन जाती है। तो ये सब क्या है हमारे पास फ्लूड है। तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हुई है जो कि आपको याद करनी है और एग्जाम में इसी तरह से लिख के आना है। सेकंड हमारे पास आता है लिक्विड। लिक्विड भी एक तरह से आप हिंदी में द्रव बोलते हैं। लिक्विड क्या होता है, प्रैक्टिकली लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। तो ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब ये चाहे गिलास में हो, लिक्विड क्या है, चाहे ग्लास में हो या फिर सरफेस पे हो, इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में हमारी हेडिंग देखो क्या है, आइडियल फ्लूड। आइडियल फ्लूड इसे क्या बोलते हैं हम, वास्तविक द्रव्य। तो ये आइडियल फ्लूड क्या है, देखिए दो हेडिंग लिखी है, एक हमने यहां से ये लिखी है ठीक, और एक यहाँ से। तो हम इम्पोर्टेंट हेडिंग आपको करा रहे हैं, तो क्या है, अ फ्लूड विच इज इनकम्प्रेसिबल, मीन्स आइडियल फ्लूड कौन से हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, जिनको हम कंप्रेस ना कर सके, एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी। अब इसमें विस्कोसिटी भी ना हो, तो विस्कोसिटी क्या होता है, अब आप बोलोगे सर विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी होता है जो आपके फ्लूड को फ्लो होने से रोकता है। विस्कोसिटी क्या होता है, जो आपके फ्लूड को, ये मीन्स मान लीजिए कि ये आपका क्या है, लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, और इसको हमने क्या किया, पाइप में फ्लो करने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके पाइप के अंदर विस्कोसिटी है, इस लिक्विड में अगर क्या है विस्कोसिटी है, तो वो पानी क्या करेगा, अगर ढलान होगा तब तो फ्लो करेगा, अदरवाइज अगर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है तो वो रुक जाएगा, और रुकता किसकी वजह से, दैट्स इज कॉल्ड, दैट्स बाई विस्कोसिटी। ये क्या होता है, विस्कोसिटी की वजह से यहाँ पे फ्लूड फ्लो करना बंद कर देता है, तो इसी को बोलते हैं हम विस्कोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे हम आइडियल फ्लूड, तो इसमें क्या होता है, एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी। अब आइडियल फ्लूड में कह रहा है कि विस्कोसिटी नहीं है, इज नोन एज आइडियल फ्लूड। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट में देखोगे, आइडियल फ्लूड इज ओनली एन इमेजिनरी, मीन्स रियल लाइफ में कोई आइडियल फ्लूड है ही नहीं, क्योंकि सब में विस्कोसिटी होती है, क्योंकि सारे फ्लूड आपके फ्लो होने के बाद एक टाइम पे रुक जाते हैं, और क्या होता है, सब कंप्रेस फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक,
तो ये हमारे क्या हो गया, आइडियल फ्लूइड हो गया। चलिए जब आइडियल है तो रियल फ्लूइड भी आएगा, वास्तविक, ये काल्पनिक फ्लूइड था, अब क्या होता है आपका वास्तविक फ्लूइड, वास्तविक लिक्विड या वास्तविक फ्लूइड होगा। तो वास्तविक फ्लूइड क्या होता है, चलिए देखते हैं। अ फ्लूइड विच पॉजिज विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड, मीन्स जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी हो, सरफेस टेंशन हो, ठीक, सरफेस टेंशन हो, ये सारे क्या होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं। तो आपने यहाँ पे फोर फोर हेडिंग को यहाँ पे आपने रिवाइज किया। अब आपके एग्जाम में यही पूछे जाते तो आप इसको कई की बार देखिए, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड आप समझ चुके हो क्या है, जिसमें विस्कोसिटी हो, मींस जो लिक्विड है वो आपका इजीली से फ्लो होने से इसे रोका जाए, जिसमें क्या हो विस्कोसिटी हो, एंड सेकंड में क्या हो सरफेस टेंशन हो। अब सरफेस टेंशन आपने 12th में पढ़ा होगा तो आई होप आपको याद होगा, नहीं है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, ठीक। अब आपके आते हैं यहाँ पे रियल फ्लूइड का फ्लूइड मैकेनिक्स, मीन्स आपने टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ लिए, नेक्स्ट में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, आपको क्या बताना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक आप जो साइंस है उसकी क्या है, ये ब्रांच है, क्या फ्लूइड मैकेनिक्स, कंप्लीटली साइंस नहीं है, एक ब्रांच है, छोटा सा मतलब कह सकते हैं पार्ट है इसका, विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड इन मोशन, मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि फ्लूइड क्या है, एट आ रेस्ट है या फिर इन मोशन है, मीन्स फ्लूइड आपका स्टेबल है, रुका हुआ है, या फिर क्या है मोशन में बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, ठीक। तो हम इसकी स्टडी किस में करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसी के हम टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है आपका हाइड्रोस्टेटिक्स, फर्स्ट टाइप क्या आपका यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोस्टेटिक्स में क्या है, देखो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक, एंड स्टेटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, स्टेटिक्स का मतलब क्या है, रेस्ट है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या, अ ब्रांच ऑफ साइंस क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, क्या है, विच डील्स विद स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिक्विड एट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेस्ट, मींस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो आपका लिक्विड है वो एब्सोल्यूट हो या फिर क्या हो रिलेटिव रेस्ट हो। हाइड्रोस्टेटिक्स में क्या है कि आपको जो फ्लूइड है वो या तो कंप्लीटली रेस्ट हो या फिर एब्सोल्यूटली रेस्ट हो, इसका जो स्टडी करेंगे वो किसमें करेंगे, हाइड्रो स्टेटिक्स में, हाइड्रो स्टेटिक्स में। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, हाइड्रो डायनामिक्स, हाइड्रो डायनामिक्स तो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ क्या है, साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच विच डील्स विद स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिक्विड, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिक्विड इन मोशन, इन मोशन। अब डायनेमिक्स का मतलब ही होता है मोशन, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है मोशन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आपका फ्लूड है, जो आपका फ्लूड है या लिक्विड है वो जब मोशन में होता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं, हाइड्रो डायनेमिक्स में। इट कवर स्टडी ऑफ वेलोसिटी, मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी की स्टडी करेंगे। इट कवर स्टडी ऑफ एक्सलरेशन एंड फोर्स कॉजिंग मोशन, और फोर्स के द्वारा जो मोशन होती है उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, हाइड्रो हाइड्रो डायनेमिक्स, हाइड्रो डायने मिक्स में क्या करते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं, क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में, हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बट आपको क्या अच्छा पढ़ाएंगे। तो ये आपके देखो, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट चल रहा है, आप अगर यूनिट की बात करोगे तो यूनिट फर्स्ट आपकी ये है जो कि आज हम कंप्लीट कराएंगे और नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट डे कराएंगे। तो चलिए अब हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद आता है आपका हाइड्रो डायनामिक्स जो कि आप पढ़ चुके हो। अब आपको आप हमें कमेंट में बताएंगे हाइड्रो डायनामिक्स क्या होता है, मीन्स यहाँ पे क्या होता है आपका फ्लूइड क्या होता है मोशन में होता है। चलिए अब आपका आता है हाइड्रोलिक्स, नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर और लिक्स का मतलब फ्लो होना या पाइपलाइन। तो क्या है, इट इज अ ब्रांच, हाइड्रोलिक्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। यहाँ पे क्या दिख रहा है? टू वर्ड, टू वर्ड्स। नंबर वन क्या है आपका यहाँ पे? हाइड्रो। एंड नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे? देखते हैं, यहाँ लिखते हैं सेकंड में आपका क्या है? लिक्स। तो मींस हाइड्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या देखेंगे? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, होता है ना, हाइड्रो मतलब वाटर, और लिक्स का मतलब होता है पाइप। लिक्स का मतलब क्या होता है? पाइप्स। तो मींस क्या है ये? क्या टू ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका एक का मतलब क्या वाटर है, जिसका हाइड्रो का मतलब क्या यहाँ पे वाटर है, एंड लिक्स का मतलब पाइप है। तो हाइड्रोलिक्स आप किससे बनाए? पानी और पाइप के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोलिक्स बनाए। तो इसका मतलब क्या है? देखिए मतलब सुनते हैं। हाइड्रोलिक्स क्या है? इज अ फंडामेंटल सब्जेक्ट है फॉर ऑल काइंड ऑफ इंजीनियर। अब ये हाइड्रोलिक्स एक सब्जेक्ट है जो पढ़ते हैं। अभी आपने समझा ना सब्जेक्ट का नाम क्या है? हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोलिक्स एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है जो ऑल काइंड ऑफ इंजीनियर रीड करते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है? यूज इन सिविल। अब देखो सिविल तो आप समझ ही रहे हो, यूज इन सिविल, मैकेनिकल, बीटेक एंड डिप्लोमा ऑल्सो। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या मतलब है सिविल में किस तरह से होता है? जो आपको वाटर सप्लाई के लिए पाइप्स लगाए जाते हैं वहाँ पे आपका होता है किसका? हाइड्रोलिक्स का यूज होता है। यहाँ पे एरीगेशन सिंचाई विभाग जो होता है वहाँ पे सब में आपने देखो पाइप ही लगे होते हैं। एरीगेशन में क्या लगा होता है? एरीगेशन में पाइप ही लगे होते हैं। आपका सैनिटरी होता है, क्या होता है? सैनिटरी होता है, वहाँ पे भी आपका ये पाइप्स लगे होते हैं। ब्रिज जो होते हैं वहाँ पे भी क्या है? ब्रिज कंस्ट्रक्शन। फिर हम बैटरी चार्जर लगा लेते हैं, बैटरी लोग आ रही है।